hello students so i'm again back with part 2 of chapter number 4 photosynthesis and respiration students i hope you all have seen part 1 of this chapter if not do watch it so students till here we have completed everything in part 1 बहुत सारे फैक्टर हैं जो फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं उसमें से तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थ्री फैक्टर्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एंड सुटेबल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट और सुटेबल टेम्परेचर ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अब जो टेम्परेचर है वो फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो एनजाइम का रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा ठीक कोई बात तो टेम्परेचर कितने तक ही होना चाहिए फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए क्या इतनी बातें क्लियर है चलें आगे चलो ऑल द थ्री फैक्टर्स आर इंटर डिपेंडेंट ये तीनों ही फैक्टर इंटरडिपेंडेंट है एंड ईच ऑफ दिज फैक्टर लिमिट दर देखो ये तीनों फैक्टर इनडिपेंडेंट है और, और ये एक दूसरे को लिमिट भी करते हैं ठीक है बात तो चलो ये तीनों के तीनों फैक्टर इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को लिमिट भी कर देते हैं जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे लिमिट कर देते हैं जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेस अवेलेबल हुई मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी कम है दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो बढ़िया क्वांटिटी में अवेलेबल है फिर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाएगी वैसे ही अगर लाइट कम है तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी भले ही वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सुटेबल टेम्परेचर क्यों ना हो तो अभी समझ में आया कैसे इंटरडिपेंडेंट है ठीक है और कैसे एक दूसरे को लिमिट कर सकते हैं कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल हो पर लाइट नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस धीरे होगी या कम होगी सेम कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का जो रेट है वो कम हो जाएगा और इसी तरीके से बेटा अगर टेम्परेचर कम है तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लेस हो जाएगी भले ही सफिशियंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट प्रेजेंट क्यों ना हो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो लाइट होगी या एक सर्टेन लिमिट के बाद जो टेम्परेचर होगा वो भी फोटोसिंथेसिस को बैडली इफेक्ट करेगा अगर हम बात करें टू मच लाइट की बी ऑन अ सर्टेन लिमिट एक लिमिट से ज़्यादा लाइट अगर होगी तो वो किसको नष्ट कर देगी किसको डिस्ट्रॉय कर देगी क्लोरोफिल को ख़त्म कर देगी एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड ठीक है बात अगर बहुत ज्यादा लाइट होगी तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एडवर्स इफेक्ट आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट जब हो जाती है एक लिमिट के बाहर तो वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है किसको खत्म करने का काम करती है नष्ट करने का, का काम करती है क्लोरोफिल को ठीक कोई बात चलो ये सूडेंट सो दोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन दो एंड प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के एक होता है ग्लूकोज दूसरा होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ओपन ओपन एटमोसफेयर में रिलीज कर दी जाती है और ग्लूकोज प्लांट्स स्टोर करके रख लेते हैं या उसी टाइम यूज भी करते हैं कुछ स्टोर करके रख लेते हैं ग्लूकोज का फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सो ग्लूकोज है उस जिसको हम शुगर भी बोल रहे हैं ये या तो इमीडिएटली यूटिलाइज़ हो जाएगी सेल उसको इमीडिएटली यूटिलाइज़ कर देगा या इसको स्टोर कर करके रख लेगा किस फॉर्म में इंसोल्यूबल स्टार्च के फॉर्म में ठीक है बात द शुगर ग्लूकोज इज़ इधर इमीडिएटली या तो तुरंत यूज़ कर लिया जाएगा यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा किसके द्वारा सेल के द्वारा मतलब जो सेल होंगे उसको इमीडिएटली यूटिलाइज कर लेंगे और स्टोर कर करके रख लेंगे या तो उसको स्टोर करके रख लेंगे किस फॉर्म में इंसोलीबल स्टार्च के फॉर्म में वो स्टार्च जो सोल्यूबल नहीं है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज मे बी यूज इन रेस्पिरेशन इन द लीव जो ऑक्सीजन रिलीज़ की जा रही है उसे या तो हो सकता है रेस्पिरेशन में लीव जब रेस्पिरेशन करेंगे तब यूज़ कर लेंगी ठीक है बट द मेजर पोर्शन ऑफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड पर बहुत ज़्यादा पोर्शन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये डिफ्यूज आउट हो जाती है कहाँ पर डिफ्यूज आउट हो जाती है एटमोसफेयर में पर बेटा एटमोसफेयर में तो जो ऑक्सीजन है उसका कुछ पोर्शन हो सकता है ये कर ले। जो आज अभी प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हो सकता है उसको रेस्पिरेशन में यूज कर ले पर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन ये डिफ्यूज आउट कर देते हैं एटमोस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा किसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू इन अ वे इवन दिस ऑक्सीजन इज नॉट वेस्ट ये वेस्ट नहीं है बेटा क्योंकि ये एक वाइटल गैस है बहुत इंपॉर्टेंट गैस है सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको रेस्पिरेशन के लिए सांस लेने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल संभव ही नहीं है, है ना नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज फूड एंड एड्स ट्रांसपोर्टेशन ये जो सिंथिसाइज बना हुआ फूड है इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अब हम वो पढ़ेंगे फूड मैन्युफैक्चर द लीव फूड कहाँ बन रहा है बेटा अभी तक हमने देखा लीफ में ठीक है इज रिक्वायर्ड फॉर यूज बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट प्लांट देखो बना तो वो लीव्स में परिस्टेम्स को है ना सबको फूड चाहिए पूरे पूरे प्लांट के हर पार्ट को क्या चाहिए फूड चाहिए पर बना कहाँ पर था ये लीव्स में बना था ठीक है ग्लूकोज इज़ फॉर्मड इन द लीव वेरी रैपिडली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है तो जल्दी जल्दी लीव्स के अंदर क्या बनता है बेटा ग्लूकोज बनता है एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट पर उस टाइम में ये दूसरे पार्ट में पहुंच नहीं पाता है देखो जो लीव में फूड मैन्युफैक्चर हुआ उसको प्लांट के दूसरे पार्ट में भी हमको पहुंचाना है ग्लूकोज लीफ में फॉर्म हो रहा है वेरी रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी किस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस फास्ट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हो पा रहा दिन में है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती जा रही है लाइट मिलती जा रही है तो फोटोसिंथेसिस होती जा रही है जिसकी वजह से बहुत सारा ग्लूकोज बनता जा रहा है पर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है प्लांट्स के दूसरे पार्ट में तो उस टाइम ये जो फटाफट फटाफट जो ग्लूकोज बन रहा है इसके जो मॉलिक्यूल हैं सेवरल मॉलिक्यूल बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं इन सोल्यूबल स्टार्च फॉर टेम्प्ररी स्टोरेज इन द लीप लीप में टेम्प्ररी स्टोरेज के लिए ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जॉइन करते जाते हैं ज्वाइन करते जाते हैं और इन सोल्यूबल स्टार्च बना लेते हैं ठीक है जो कहाँ पर टेम्प्रेरी स्टोर हो जाता है लीफ में अब रात का टाइम आता है ठीक है क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है तो रात में एट नाइट दिस स्टार्च इज़ रिकनवर्टेड इनटू सॉल्युबल शुगर रात में ये स्टार्च जो है वापस से किस में कन्वर्ट होगा बेटा इन सोल्युएबल शुगर में ठीक है दिस शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस इज़ ट्रांसपोर्टेड इन टू सोल्यूशन थ्रू द वेंस ऑफ द लीव लीव में जो वेंस होती है उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्या सुक्रोस ये जो ग्लूकोज है जिसे हम सुक्रोस बोल रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन सोल्यूशन थ्रू द वेंस किसके थ्रू वेंस के थ्रू लीवस में जो वेंस हैं उसके थ्रू इस सुक्रोस को पूरे प्लांट में हम लोग क्या कर देंगे पूरे ट्री में डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसके थ्रू वेंस वो वेन्स को हम क्या बोलते हैं फ्लोएम ऑफ द स्टीम स्टेम की के फ्लोएम के थ्रू ये पूरे प्लांट में क्या दे देगा सुक्रोज मतलब ग्लूकोज इस तरीके से इट गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट और इस तरीके से ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाएगा ठीक कोई बात पहुंच गया डिफरेंट पार्ट में अच्छा जब ये प्लांट के दूसरे पार्ट में जाएगा ना बेटा तो वापस से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में स्टार्च में दिन में ग्लूकोज बना है ना ये ग्लूकोज बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होते गए प्लस 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 तो क्या बना लिया इन्होंने स्टार्च अब रात में इस स्टार्च को फिर से काय में कन्वर्ट किया ग्लूकोज में फिर ये ग्लूकोज प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा और वहां पर फिर काय में कन्वर्ट हो गया स्टार्च में कन्वर्ट हो गया किसके लिए बेटा स्टोरेज के लिए ठीक कोई बात इन मोस्ट स्टैम्प एंड फ्रूट और कहाँ पर ये स्टोर होगा बेटा स्टैम्प्स में और फ्रूट्स में और इट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्लांट और कई बार इसका यूटिलाइजेशन भी हो जाता है कौन करता है इसका यूटिलाइजेशन प्लांट फॉर वेरियस फंक्शंस क्लियर है चलो क्या इंपोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की तो पहले इंपोर्टेंस है बेटा कि अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो हम सबको खाना नहीं मिलता फूड फॉर ऑल मतलब अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती ना तो हम सब भूखे ही होते अब ऐसा क्यों होता है मैडम क्योंकि प्लांट के लिए खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस से हमारे लिए थोड़ी बन रहा है तो बेटा ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये मैंगो है ये वीट है है ना ये सब कैसे ही बन रहे है बेटा वीट का भी जो प्लांट है वो बड़ा होता है उसमें कि वीट ग्रो होते हैं तो वो वीट का जो ट्री है प्लांट है वो ग्रो कर पा रहा है जो पौधा है वो ग्रो कर पा रहा है किस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ही ना वीट वीट का मतलब क्या होता है गेहूँ गेहूं का जो पौधा होता है वो अपने आप को बड़ा कर पा रहा है क्यों क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही तभी तो आपको वीट मिल रहा है नहीं तो कोई पिज्ज़ा कोई ब्रेड कोई बर्गर होता ही नहीं है ना तो पहली बात फूड फॉर ऑल प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को किस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एंड द प्लांट इन टर्न आर इटर्न बाय द एनिमल और इन प्लांट को कौन खा लेता है एनिमल तो एनिमल का फूड बन जाता है फिर एनिमल को ह्यूमन बींग ईट कर लेते हैं खा लेते हैं तो वो फिर मतलब इस तरीके से चेंज चलती रहती है अब चलो अगर आपने पेड़ नहीं खाया तो पेड़ से जो फाइनल प्रोडक्ट मिला उसको तो खाया ना मैंगो खाया गुआवा खाया या तो वीट से पिज्जा बनाया बर्गर बनाया है ना चलो जो बेस होता है पिज्जा का वो मैदे से बना होता है ना सो इन फर्स्ट पॉइंट अंडर द हेडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉट विल यू राइट इट प्रोड्यूज फूड फॉर ऑल वॉट इट मतलब फोटो सिंथेसिस सेकेंड ऑक्सीजन फॉर रेस्परेशन अगर हम रेस्परेशन कर पा रहे हैं हमें लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन मिल पा रही है तो इसी लिए भी हमें किस को थैंक यू बोलना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टूडेंट जितनी भी हमारे एटमोसफेयर में फ्री ऑक्सीजन है वो किसकी वजह सही है किसके रिजल्ट सही है फोटो सिंथेसिस के रिजल्ट सही है नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट एक्स ऑक्सीजन हम हम ह्यूमन बींग में एनिमल ही हैं बेटा है ना दो ही किंगडम होती है plant kingdom, एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम तो हम जो ह्यूमन है ये एनिमल किंगडम का ही पार्ट है ठीक है बात तो चलो जितनी भी फ्री ऑक्सीजन एटमोसफेयर में है वो फोटो सिंथेसिस का ही गिफ्ट है फोटोसिंथेसिस का ही रिजल्ट है कोई भी एनिमल कोई भी ह्यूमन बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि ये हमें रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है इवन द प्लांट यूज़ द सेम ऑक्सीजन इन द डार्क

गोइंग टू रीड एक्टिविटी टू ऑल्सो यू जस्ट रीड इट यू विल गेट इट कुछ भी नहीं है कमरे में पौधे को रखना है अंधेरा करना है है ना तो सब आ जाएगा तुमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्टिविटी थ्री भी आप कर लोगे ठीक है चलो हम कहाँ पर पहुंचेंगे आप इवन एक्टिविटी फोर फोर एक्टिविटी भी है ये भी ये भी आप कर लोगे पढ़ लेना अगर पढ़ के नहीं समझ लालों, तो में आए लालो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना लाल भी मतलब लड़के लड़की दोनों ही कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो देंगे पर अभी हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट दैट इज रेस्पिरेशन है ना प्लांट रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी प्लांट को क्या चाहिए बच्चा कंटिन्यू सप्लाई किसकी एनर्जी की क्यों चाहिए बच्चा डिफरेंट प्रोसेसिस के लिए प्लांट भी बहुत सारे प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो सेल के अंदर हो रही है ठीक है प्लांट बॉडी में जो सेल है सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही हैं उन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को भी क्या चाहिए कंस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी ठीक के बाद अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट एनर्जी होगी तभी तो प्लांट की ग्रोथ होगी है ना फॉर रूट सेल्स टू पेनीट्रेट द सॉइल अब रूट सेल पेनीट्रेट करके सॉइल में अंदर की तरफ जाए उसके लिए एनर्जी चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए वाटर अब्जॉर्ब करना है तो एनर्जी चाहिए मिनरल लेना है तो एनर्जी चाहिए तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको प्लांट को पर प्लांट के पास ये इतनी सारी एनर्जी आती कहाँ से है कि पहले ज़मीन से वाटर लो मतलब लैंड से वाटर लेना है लेना है मिनरल लेना है फिर उसको प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाना है तो इस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है तो स्टूडेंट ये पहले आप पढ़ चुके हैं लर्न कर चुके हैं कि एनर्जी मिलती है हमें जो सॉरी लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन किस प्रोसेस से हम सबको एनर्जी मिलती है सारी लिविंग थिंग को एनर्जी मिलती है रेस्परेशन ठीक कोई बात अब हम पढ़ेंगे रेस्परेशन तो रेस्परेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है टू रिलीज़ एनर्जी रेस्परेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एनर्जी रिलीज करने के लिए ग्लूकोज जब ब्रोकन डाउन टूटता है तो so, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन चलो आ गई होगी बात समझ में सो so, स्टूडेंट्स बहुत सारी जो एनर्जी होती है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के टाइम पे लिबरेट होती है या रिलीज होती है है ना वो किस फॉर्म में रिलीज होती है हीट की फॉर्म में रिलीज होती है पर स्टूडेंट इस इसका एक लार्ज पार्ट बहुत बड़ा पार्ट एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉसपेट ए टी पी कॉमनली क्या बोलते हैं ए टी पी ठीक वही बात तो जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है लिबरेट हो रही है तो बहुत सारी एनर्जी जो लिबरेट होगी वो किस फॉर्म में होगी हीट के फॉर्म में पर इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ए टी पी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉसपेट हर वो एक्टिविटी और जितनी भी एक्टिविटी होंगी बेटा सेल के अंदर एनी एक्टिविटी इनसाइड द सेल सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो वो कैसे कैरी आउट होगी कैसे कंप्लीट होगी उसी एनर्जी से कंप्लीट होगी उसी एनर्जी से वो हो रही होगी जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे एटीपी मॉलिक्यूल पी ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होंगे उसी से सेल के अंदर की सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होंगी ठीक है बात तो इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है चलो तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा किसको रिलीज़ करने के लिए एनर्जी को रिलीज करने के लिए ठीक है बात बहुत सारी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाती है पर कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में जिससे हम बोलते हैं एटीपी एटीपी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिलीज करता है अब अगर हम रेस्प हम रेस्पिरेशन की बात करें तो टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं एरोबिक और एनएरोबिक टू टाइप ऑफ रेस्परेशन आर देयर एरोबिक एंड एनएरोबिक जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसको यूटिलाइज़ करता है बेटा ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट यूटिलाइज ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके रेस्पिरेशन होगा उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा उसे अनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ठीक है बात एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे पहले तो जो रेस्पिरेशन होता है बच्चा मतलब जितने भी सेल होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में जितने भी सेल होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में एरोबिक रेस्पिरेशन को ही परफॉर्म करते हैं मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी लेना है फूड का ब्रेक डाउन करना है तो वो किसका यूज करते हैं बेटा ऑक्सीजन का और इसीलिए सेल अपने पूरे जीवन में सिर्फ किस टाइप का मतलब मैक्सिमम टाइम किस टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक हुई बात एनरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ठीक कोई एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होगा वो पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में क्लियर है सेल अपनी पूरी लाइफ में एरोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है नहीं मतलब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से और क्या रिलीज होती है एनर्जी ठीक है बात इन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में द एक्सेस एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द सेल और जो एक्सेस एनर्जी होगी वो सेल में स्टोर हो जाएगी किस फॉर्म में ए के फॉर्म में एरोबिक रेस्पिरेशन की ये इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देखो ग्लूकोज था उसका उसका ही ऑक्सीडाइजेशन होना था तो किसके प्रेजेंस में हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ एंजाइम्स लगे तो क्या रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी थर्टी एट एटी पी ठीक हुई बात ग्लूकोज था ग्लूकोज को ही हमको डाउन करना था तो किसका यूज किया हमने ऑक्सीजन का यूज़ किया एंजाइम्स लगे तो क्या रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी नाउ एन एरो रेस्पिरेशन अनोरॉबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चा ऑक्सीजन नहीं यूज़ होती ठीक है बात एनारोबिक इन अकर्सिनस ऑफ ऑक्सीजन ये यूजुअली कहाँ देखने को मिलेगा बच्चा आपको इंटेस्टिनल पैरासाइट कुछ पैरासाइट कुछ कीड़े जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं हमारे पेट के अंदर जो कीड़े रहते हैं वो ईस्ट और बहुत सारी बैक्टीरिया किसको ही परफॉर्म करते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्शली ब्रोकन डाउन होता है ग्लूकोज एंजाइम्स लगेंगे तो क्या बन जाएगा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी टू ए टी पी बस यहाँ पर जो कंटेंट है उसमें चेंज जा आ जाएगा देखो यहाँ पर हमारे कंटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड था यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड था यहाँ भी एनर्जी थी यहाँ भी एनर्जी थी पर यहाँ पर एनर्जी के थर्टी एट ए टी पी थे यहाँ पर सिर्फ टू ए टी पी हैं वाटर की जगह क्या बन रहा है एथेनॉल ठीक है ए टी पी दो हैं यहाँ थर्टी एट थे यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है पर जो चीज़ बदल गई है वो है वाटर और एथेनॉल ठीक है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होगा एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड मतलब जो ग्लूकोज है वो टूटेगा ब्रोकन डाउन होगा पर किस में एथेनॉल में चलो आप एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस देखेंगे तो पहला डिफरेंस तो ये होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो होता है एनारोबिक में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता यहाँ पे जो फूड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कम्प्लीटली डाउन हो जाते हैं पूरा टूट जाते हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में फ़ूड मॉलिक्यूल कम्प्लीटली टूट जाते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन में फ़ूड मॉलिक्यूल पारशली ब्रेकन डाउन होते हैं पार्शली टूटते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है यहाँ पर एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एथेनॉल एलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है ठीक है यहाँ पे मोर एनर्जी रिलीज़ यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है थर्टी एट ए टी रिलीज़ होते हैं क्योंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया है फूड का यहाँ पर टू एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे मतलब लेस एनर्जी रिलीज़ होगी क्योंकि यहाँ पर पार्शियली फ़ूड ब्रोन डाउन मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है ठीक है बात फिर से इट यूटिलइेज़ज़ज़ज़ज़ ऑक्सीजन इट डज़ नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन फ़ूड मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन फ़ूड मॉलिक्यूल पार्शियली ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म एथेनॉल along विथ कार्बन डाइऑक्साइड form मोर एनर्जी रिलीज लेस एनर्जी रिलीज थर्टी एट ए atp पी टू ए टी पी रेस्परेशन इन प्लांट जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की प्लांट में वो फॉलोइंग स्टेप्स में होती है पहला स्टेप में अब्जॉर्बशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर ये लोग एटमोसफेयर से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं ठीक है प्लांट्स अब्जॉर्ब ट्रीज ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफियर सेकेंड में हम देखेंगे ऑक्सीडाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड स्टोर्ड फूड जैसे हम ग्लूकोज बोलते हैं उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा ठीक है बाय ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन आपने फर्स्ट स्टेज में एब्जॉर्ब की थी इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजेशन होगा ब्रेकडाउन होगा किसका स्टोर्ड फूड का अब जब फूड का डाउन हो गया है तो एनर्जी रिलीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ये जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हुए इससे क्या रिलीज़ होगी एनर्जी रिलीज़ होगी और जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट विथ गो आउट ऑफ द प्लांट जो प्लांट से बाहर की तरफ चले जाएँगे कौन से दो एंड प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विच गो आउट ऑफ द प्लांट क्या रिलीज़ होगी एनर्जी रिलीज़ होगी ठीक है क्यों क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है ऑक्सीडाइजेशन किसका हो रहा है ग्लूकोज का हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है नाउ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट होते हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में किस प्रोसेस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड को ऑक्सीडाइजे ऑक्सीडाइज फूड के ऑक्सीडाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंजाइम रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी ठीक कई बात प्लांट्स गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी प्लांट को क्या चाहिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्यों चाहिए ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन के लिए किस प्रोसेस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि जो प्लांट है वो अपने फूड को खुद बनाते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज्ड होगा जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होंगे किसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल ये हम पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट फूड अपना खुद बना लेते हैं ग्लूकोज सिंथेसाइज ग्लूकोज बनता है किस किस को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके किस किस के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये एक बार फिर से आप फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पढ़ेंगे कार्बन प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस हो तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर क्या बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर कार्बन में वाटर मिला किसके प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में या क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन और वाटर मिला तो क्या क्या रिलीज हुआ ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर अगर पहली नज़र में हम देखें फर्स्ट साइड में हमें लगता है कि रेस्परेशन और फोटोसिंथेसिस अपोजिट प्रोसेस है इन सम वे इट इज़ करेक्ट कुछ तरीके से ये सही भी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है बेटा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रोक डाउन हो जाता है बेटा हम देखें तो बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट टू रेस्पिरेशन ये पार्शियली मतलब सही भी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में किसका सिंथेसिस होता है क्या बनता है ग्लूकोज बनता है और रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज ब्रोकन डाउन हो जाता है टूट जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम सनलाइट दे फोटो की प्रोसेस में हम सनलाइट से एनर्जी ऑप्टेन करते लेते हैं पर रेस्पिरेशन में हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसके फॉर्म में ए के फॉर्म में समझ में एक बात फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस में तो तुम एनर्जी ले रहे हो किससे ले रहे हो सनलाइट से सन से पर रेस्पिरेशन में तुम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो किस फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है देखो स्टूडेंट यहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है फूड बनता है यहाँ पर फूड ब्रोकन डाउन होता है सिंथेसाइज ऑफ फूड ब्रोकन डाउन ऑफ फूड यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है एज़ अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एज़ बाय प्रोडक्ट ये प्लांट सेल में होगा जिनमें क्लोरोफिल होगा ये प्लांट सेल में भी हो सकता है एनिमल सेल में भी हो सकता है कर्सिन सेल्स बोथ प्लांट एंड एनिमल पर ये उन्हीं प्लांट सेल में होगा जिसमें अंदर क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो दिन में ही होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट आइटम है सन की लाइट पर भाई जो रेस्पिरेशन है वो दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है ठीक है रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली डे एंड नाइट होता रहता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ दिन में होती है क्योंकि इसको क्या चाहिए सन लाइट <coughs> ये बात कुछ हद तक सही है बेटा कि रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में प्लांट भी ऑक्सीजन का इंटेक करने लगते हैं तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि रात में हम पेड़ों के नीचे सोए पर हाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप ज़रूर पेड़ के नीचे सो जाएँ वो बहुत ज़्यादा आरामदायक होगा बट स्लीपिंग अंडर द ट्री ड्यूरिंग हॉट मिड डे इज़ गुड आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी फोटोसिंथेसिस क्योंकि परफॉर्म हो रही होगी और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी हो रही होगी तो आपको ठंडा भी लगेगा ठीक है बात बेटा अब हम ये एक्टिविटी फ़ाइव तो मैंने बोला ना एक्टिविटी में कोई भी नहीं पढ़ने वाली हूँ <coughs> अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्टिविटी भी मान को समझानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें मैं एक्टिविटी समझा दूंगी ठीक की बाद सो स्टूडेंट आंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली जो पी मुझे मिला उसमें यहीं तक फ़ोटोज़ हैं तो हो सकता है ये चैप्टर का एंड हो और अगर ये चैप्टर का एंड नहीं है तो इसके बाद वाली फ़ोटोज़ भेज दें